बचपन का जमाना था, एक बचपन का जमाना था जिसमें खुशियों का खजाना था। तमन्ना चांद को पाने की थी पर दिल तितली का दीवाना था। थक कर आना स्कूल से पर खेलने भी जाना था। माँ की कहानी थी परियों का फसाना था। बारिश में कागज की नाव थी, हर मौसम सुहाना था। रोने की वजह ना थी, रोने की वजह ना थी, ना हंसने का बहाना था। फिर क्यों हो गए बड़े हम, क्यों हो गए बड़े हम, इससे अच्छा तो वो बचपन का जमाना। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद वसीम और आप देख रहे हैं मोहम्मद वसीम ऑफिशियल। कलर्स ऑफ मुंबई के इस थर्ड एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज मैं कवर करने जा रहा हूँ एक वेज रेस्टोरेंट जो कि जूं तारा रोड पर लोकेटेड है। इनकी अलग अलग ब्रांचेस हैं पर मैंने आज इनकी जूं वाली जो है लोकेशन को सिलेक्ट किया है। इस रेस्टोरेंट का नाम है महाराजा भोग और ये अपनी जो है स्पेशल वेज जो प्लेट है उसके लिए ये जाने जाते हैं। ये अपने एक एक प्लेट में राजस्थान और गुजरात के दोनों ही जो है वेज डिशेस को सर्व करते हैं। तो चलिए आज इनकी इस डिश को ट्राई करते हैं। तो अभी मैं आ चुका हूँ महाराजा भोग जो कि लोकेटेड है जूं तारा रोड पर। और यहाँ पर मैं जो आज थाली ट्राई करने जा रहा हूँ ये गुजराती और राजस्थानी जो डिश है, ये मतलब दोनों स्टेट के फूड जो वेज थाली है वो एक ही प्लेट में सर्व होते हैं। तो आज मैं वो ट्राई करने जा रहा हूँ। तो ये केसर चंदन का जो है वेलकम ड्रिंक है, बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है, काफ़ी ठंडा है। तो सबसे पहले मैं ट्राई करने जा रहा हूँ ये जो है गाजर का हलवा, इससे मैं शुरू करता हूँ। ये एक मीठा है, डेजर्ट है, बिस्मिल्लाह। गाजर का हलवा बहुत अच्छा है, टेस्टी है। और मैं ट्राई करने जा रहा हूँ ये बासुंदी, अंगूरी बासुंदी, यानी ये अंगूर के साइज के जो रसगुल्ले हैं होते हैं उसको बासुंदी में डुबो करके सर्व किया जाता है। हाँ, थैंक यू, काफ़ी टेस्टी है और बासुंदी मुझे बहुत पसंद भी है, बहुत अच्छी लगती है मुझे। और बासुंदी काफ़ी थोड़ी हल्की सी मतलब ठीक भी है, अच्छी सी गाढ़ी मलाई भी आ रही है इसमें, यानी पानी वाला नहीं है यहाँ पर, प्योर दूध में, बहुत मीठा है, एकदम स्वादिष्ट है। अब मैं ट्राई करने जा रहा हूँ ये घेवर जो राजस्थानी घेवर होता है, बहुत स्वादिष्ट है एक्चुअली। इसको अगर रबड़ी इसके ऊपर होना तो स्वाद और ही जो है चार चांद लग जाते हैं, पर एनीवे ये घेवर भी काफ़ी टेस्टी है। स्पेशल डकोर गोटा चाट ट्राई करते हैं, काफ़ी टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। दही भी काफ़ी टेस्टी है, दही में एक खट्टा मीठा स्वाद है। अब मैं ट्राई करने जा रहा हूँ फरसान जो कि गुजरात में जो वेज एक स्नैक्स टाइप में जो है लोग खाते हैं और ओवरऑल पूरे इंडिया में भी ये स्नैक्स खाए जाते हैं। और ये ढोकला है, ढोकले के ऊपर जो है
चटनी है खोपरे की, उसको ट्राई करते हैं। काफ़ी टेस्टी है, जो एक ऑथेंटिक जो टेस्ट होता है ढोकले का वो है, काफ़ी टेस्टी है। अभी ये स्प्रिंग रोल है, इसको टेस्ट करता हूँ। वेज स्प्रिंग रोल है, ये इसका स्टफिंग है, इसमें सब्जी वगैरह भरी हुई है, ट्राई करते हैं। हल्का सा स्पाइसीनेस है इसमें, थोड़ा सा तेज़ है लेकिन इतना भी तेज़ नहीं है। वैसे गुजरात के जो खाने होते हैं वेज, स्पेशली वेज खाने, वो काफ़ी मतलब ज़्यादा तेज़ नहीं होते, दालें भी मीठी होती है कई बार। अभी मैं ट्राई करने जा रहा हूँ ये पनीर की सब्ज़ी है, पनीर तूफानी करके ये है, काफ़ी टेस्टी है ये भी। वैसे पनीर भी मुझे बहुत पसंद है। मैं ट्राई करने जा रहा हूँ रोटी विथ ये बटाटे की सब्जी है, आलू दिलकुश, बटाटे की सब्जी है, बटाटे ज़्यादा गलाए नहीं गया, मतलब मीडियम है, पके हुए बट एकदम ज़्यादा नरम नहीं है। काफ़ी टेस्टी है। अब मैं ट्राई करने जा रहा हूँ ये छोले विथ पूरी, पिंडी छोले ये है, छोले काफ़ी टेस्टी हैं। बहुत टेस्ट है, मतलब ये टेस्टी है, बहुत अच्छा है। यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको शायद ना अच्छी लगे। ये आलू भी है अच्छे, और मतलब अच्छे से पके हुए बट थोड़ा सख्त है। फूड काफ़ी क्वालिटी है और एम्बियंस तो काफ़ी शानदार है, तो इसको 10 में से 10 सारे अंक सारी चीज़ों में। अब मैं ट्राई करने जा रहा हूँ ये काठियावाड़ी उंगियो, जो कि एक बहुत ही फेमस डिश है। मैं ट्राई करने जा रहा हूँ ये गुजराती दाल कड़ी, ये इतना टेस्टी नहीं है, ठीक है इतनी टेस्टी नहीं है, इस प्लेट में बाकी सब मुझे काफ़ी अच्छा लगा। गुजराती दाल कड़ी वो इतनी टेस्टी नहीं। रोटी राजस्थानी दाल कड़ी है, ये कड़ी है राजस्थानी कड़ी, कड़ी काफ़ी गाढ़ी है, पर इतनी ज़्यादा खट्टी नहीं है। यूजुअली जो कड़ी होती है हल्का सा एक खट्टा जो खट्टापन उसमें होता है, पर इसमें इतना नहीं है, पर टेस्टी है। ये पराठा है, काफ़ी टेस्टी है।
खाना काफ़ी क्वालिटी मिली, नो डाउट, जो क्वालिटी और क्वांटिटी भी बहुत अच्छी है। हर चीज़ अपनी जगह, एक इस पूरी डिश में अपनी जगह लिए हुए हैं, हर एक की अलग अलग खूबियाँ हैं। और इसी तरीके से हमारा इंडिया है, जैसे ये डिश है, अलग अलग इंडिविजुअली खुद अपने में एक खुद एक हस्ती होती है, जैसे हर एक कम्युनिटी हमारे यहाँ और हमारे यहाँ जितने धर्म है ये सारे, तो ये एक इंडिया का एक छोटा सा, आप मिनी इंडिया कह सकते हो उसे। फिलहाल दो स्टेट के इसमें डिशेज है, पर यहाँ जो खाने का टेस्ट है ये हमारे इंडिया की तरह है, यानी हमारे एक इंडिया की जो एक संयुक्त, जो हमारा जो एक भारत है उसकी एक झलक है इस स्टेट में। अभी मैं ये डिश थोड़ी ख़त्म कर लेता हूँ, उसके बाद आप लोग से मिलता हूँ। Three, two, one, jump!